नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नवाब शहफत अली खान की चर्चा इन दिनों गढ़वा जिले के हर चौक चौराहे पर हो रही है। इन दिनों तेंदुए के खौफ में जी रहे जिलेवासी शहफत अली का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विभाग द्वारा तेंदुए के आतंक को खत्म करने के लिए हैदराबाद के चर्चित शार्प शूटर शहफत अली खान की बुलाने की योजना है। वे कई राज्यों के वन विभाग के सलाहकार के तौर पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में यह सवाल तेजी से उभर रहा है कि कौन है शहफत, शहफत को ही सरकार क्यों बुला रही है। तो आइए जानते हैं विस्तार से कौन है शहफत। शहफत अली खान मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाले हैं। उनका ताल्लुक निजाम खानदान से है, लेकिन फिर भी यह सवाल उठता होगा कि वन विभाग में पहले ही सशस्त्र वन रक्षक है, वही पुलिस बल में भी सशस्त्र जवान होते हैं, फिर भी सरकार आदमखोर जानवर को मारने के लिए शार्प शूटर शहफत अली खान को ही क्यों बुलाती है। तो आइए आपको बताते हैं क्या कारण है। वन कर्मी जिन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें 303 राइफल व सेल्फ लोडिंग राइफल जो 60 किलो वजन वाले औसत मानव के खिलाफ इस्तेमाल के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक उग्र बाघ, तेंदुआ या हाथी को मारने के जो आप पर हमला कर सकता है, आपको विशेष शिकार राइफलों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा नवाब शहफत अली खान को जानवरों को ट्रैक करने का दशकों के अनुभव है और वह बखूबी जानवरों के व्यवहार और उनके तौर तरीकों से परिचित है, और ये ऐसी चीजें हैं जो सिखाई नहीं जा सकती। यही वजह है कि सरकार शहफत की सेवा चाहती है। नवाब साहब की हथियार एक 458 मैग्नम राइफल और एक 470 डबल बैरल राइफल है। खान साहब जानवरों को मारने का फीस नहीं लेते हैं। खान साहब की उपलब्धि 1962 में वह सिर्फ 5 साल के थे, उस समय उन्हें राइफल शूटिंग में मेडल मिला था, यह उनकी पहली उपलब्धि थी। 1968 में आयोजित राष्ट्रीय खेल में 50 मीटर प्रोन पिप शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था, तब उनकी उम्र मात्र 11 वर्ष थी। बिहार के पश्चिमी चंपारण में एक आदमखोर बाघ ने 6 लोगों को मार दिया था, तब नवाब शहफत अली खान ने उस आदमखोर बाघ को गोली मारकर उस क्षेत्र को बाघ के भय से मुक्त कराया था। एक पागल हाथी ने मैसूर में एक त्योहार के दौरान 12 लोगों को पटक कर मार डाला था, तब नवाब की उम्र मात्र 19 साल थी। उस वक्त हाथी को मारकर देश में सुर्खियां बटोरी थी। 2016 में नवाब ने 250 से ऊपर नीलगाय और हिरणों को गोली मार दी। महाराष्ट्र में नवाब ने 3 आदमखोर बाघ, 10 तेंदुआ, 300 जंगली सुअर तथा कुछ हाथी को मारा था। 2017 में बिहार एक पागल हाथी ने 4 लोगों को मारने के बाद पागल हाथी झारखंड में घुसकर 11 और लोगों को पटक पटक कर मार दिया था, तब नवाब ने उस पागल हाथी को 10 मीटर दूरी से मारा था। नवाब शहफत अली खान की टीम में कुल 8 से 10 लोग रहते हैं, इनमें से 4 आदमखोर बाघ को मारने में एक्सपर्ट हैं। झारखंड पुलिस के 2 या 3 काउंटर स्पेशलिस्ट को भी रंका क्षेत्र में तेंदुए के खिलाफ अभियान में रखा जाएगा, साथ ही वन विभाग के एक्सपर्ट टीम को तैनात किया जाएगा तथा तेंदुआ को चारों तरफ से घेरा जाएगा और उसके मूवमेंट के साथ सटीक स्थल के साथ सटीक समय का इंतजार रहेगा। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज़।